आपको पता ही है कैसा रहा है होपफुली 12 का टेस्ट जो है कराची से जो शुरू होगा, कराची में जो शुरू होगा दैट वुड बी मोर हैपनिंग, लेकिन इतना भी हैपनिंग ना हो जाए ना कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक है, आपको पता है उनको बहुत ज्यादा मदद भी नहीं मिलनी चाहिए। खैर स्ट्रैटेजी यही थी, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कुर्सी, ये तो बंदूक की निशिस्त वाला मामला हो गया। यानी हर कोई आजकल जो है ना वो जो है वो कुछ और भी मैं कहने लगी थी, बट एनीवे आपको पता है आजकल एक मीम भी बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जो जिसका मैं आइडिया दे रही थी कि इसका एक NFT ले लेना चाहिए। सफल जबान गई थी वहाँ पे, वो कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल इसी किस्म का था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आपको पता है पहला टेस्ट बेनतीजा ख़त्म हो गया, लेकिन रावलपिंडी की डेड पिच अब भी मौजू बहस बनी हुई है, और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में देखने वाली, फैंस तो ऑब्वियसली मायूस ही हो गए। वज़ीर इत्तला'आत भी पीछे नहीं रहे, फवाद चौधरी ने भी इसके बारे में जिक्र कर दिया और ट्वीट किया कि तारीखी टेस्ट के लिए PCB के डेड विकेट के इंतखाब पर मायूसी हुई है। रमीज राजा साहब ने इसकी एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है, इसी पे बात कर लेते हैं, सिकंदर बख्श से बात कर लेते हैं, सुनी ली होगी आई एम श्योर आप लोगों ने सबने। उन्होंने कहा जी हम सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इतनी अरसे बाद आ रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम और तो? हमारा फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड नहीं था और हमने खुद से ये पिचेस बनाई हैं और ये सारा कुछ हुआ है। सो सिकू थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सिकू जरा बताइए आपने वो एक्सप्लेनेशन सुनी है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं क्योंकि आप भी सेम एरा से हैं, इसलिए नहीं मतलब कि यू नो एक्सपीरियंस उतना ही एक्सपीरियंस। अब्दुल, सबसे पहले तो आपने भी वही बात की अभी स्टार्ट में जो कि रमीज राजा ने की है कि जितने अच्छे उनके बॉलर हैं हमें उनको जो है नहीं मैंने उन्हें कोट किया। अच्छा उनको कोट किया, मगर मुझे ऐसा लगा आप खुद कह रहे थे कि नहीं उन्होंने यही कहा था ना कि जी हमारा फुल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके बड़े अच्छे बॉलर हैं और वो। हाँ खैर मैंने भी ये कहा था, मैंने भी ये कहा था कि कराची में इतना भी इजी ना बाउंसी ट्रैक ना हो जाए ना कि हमारा हशर नशर हो जाए। फिर वही चीज देखें जो आपने बात कही वही रमीज राजा ने की, आजकल का जो माहौल है ना जो इस वक्त चल रहा है उसमें ये है कि जो भी पावर में आता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके बाद फिर उसके पलट जाता है, वो कर नहीं पाता। तो जब रमीज राजा बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं वो नाराज हो जाएंगे, हो जाए मेरी अपनी जॉब है मैं अपनी जॉब पूरी करूंगा। जब वो आए थे तो वो कह रहे थे कि फियरलेस क्रिकेट। मुझे तो ये लग रहा है फियर ही फियर था यहाँ पर, डर के मारे उनके पाकिस्तान टीम की हालत बुरी थी कि हमारे ओपनर अच्छे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, हमने ये सीरीज देखनी थी, एक बहुत बड़ी सीरीज हो रही थी, बड़े बड़े बॉलर्स आए थे, हमने कुछ एक्शन देखना था। अब पाकिस्तान का दोनों ने वादा किया है कि देखिए जी अब हमें पता चल गया कि इमामुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है और अब्दुल्ला शफी उससे भी बड़ा प्लेयर है, तो अब हम जो है कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब देखेंगे, देखिए अब ये जो बात होनी चाहिए ना कि जो पाकिस्तान डरा हुआ है या खौफजदा है वो हम सेकेंड टेस्ट के बाद बता सकेंगे, इसलिए कि अभी तो रमीज ने कह दिया कि हमें पता चल गया हमें पहले। देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने स्पिनिंग अटैक तगड़ी करनी, हमें अपने पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जो 3 या 4 दिन में टेस्ट मैच ही खत्म कर देते हैं। वो किस तरह करते हैं कि वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, आप कहां से लेकर आएंगे? यासिर शाह अनफिट है, आपके पास स्पिनर ही ऐसा कोई नहीं है कि जिसके वजह से आप बना सके। आपके पास दुनिया का बेस्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी जिसका नाम दुनिया के टॉप लिस्ट में आता है, आपके पास दुनिया के 2 बड़े बैट्समैन है रिजवान और बाबर, मगर आप खौफ, आपने तो फियरलेस किया था, आप फुल ऑफ फियर हो, आपको डर लगा हुआ है कि आप हार जाओगे, हार जाते हैं मगर एक कुछ हम अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो देखते। तो ये मेरा तो सिकंदर इसका कहने का क्या अब ये मतलब हुआ कि जो रावलपिंडी में वहाँ हुआ दैट इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड ऑन द पिचेस इन कराची, क्या वो इतनी क्रिटिसिज्म उस बात की आ भी गई है, इधर हम भी बात कर रहे हैं तो थिंग्स विल बी डिफरेंट? मुझे लग रहा है थिंग्स वुड नॉट बी सो डिफरेंट, फिर भी मेरा ख्याल है उन्होंने तो कल की गुफ्तगू से तो यही दिया था कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। रमीज ने एक चीज तो कह दी है कि वो बाउंसी ट्रैक नहीं होगी, गेन लो रहेगा। देखिए ऑस्ट्रेलियन जो है वो आते हैं ना, वो जब ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो गेन ऊपर आता है तो वो खड़े होकर इस तरह के शॉट्स खेलते हैं, मगर पाकिस्तान में गेन बाउंस लो होगा तो उनको झुककर खेलना पड़ेगा, इसलिए उनको अपने सोच अपने अपना जो मोड है उससे निकल के दूसरे मोड में जाना पड़ेगा। इस उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि हमने बाउंसी तो रखनी नहीं है, अब उसमें थोड़ी सी लाइवलीनेस हो या स्पिनिंग हो ये हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। इतना खौफ और डर है उनके बॉलरों से तो वो इस फियरलेस क्रिकेट को किस तरह खेलते हैं, उनको इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जब वो आए थे कि फियरलेस, आप तो खुद डरे हुए, आपके बयान ये कह रहा है कि आप डरे हुए, तो आप क्या पिच बनाओगे मुझे नहीं पता। चलिए अब तो ये फिर 12 को देख लेंगे तो फिर पता लग जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कह दिया था कि भाई पहली तो डेड थी लेकिन अगली भी सॉर्ट ऑफ डेड ही होगी,
मतलब कोई बाउंसी एक्सपेक्ट ना करे, डेड होगी ये कह रहे थे। आपकी जो पिच होगी, आपकी जो पिच होगी वो वेंटिलेटर पे होगी, मतलब है कि सांसें चल, पहले डेड थी फिर वेंटिलेटर, अभी हम बिल्कुल जिंदगी की, अभी हम उसको रिससिटेट कर रहे हैं, कुछ जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सिकंदर, थैंक यू सो मच।